हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप सभी को पोयम कन्यादान पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो पोयम है ये कड़ी बोली में लिखी हुई है। कन्यादान का अर्थ होता है अपनी बेटी को किसी और के हाथों में सौंपना। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक का अर्थ होता है सच्चा और पूंजी का अर्थ होता है धन। तो ये कवि ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर उसका का अर्थ होता है माँ, उसका माँ की ओर संकेत करता है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, यानी माँ का दुख काफ़ी सच था जब वे अपनी बेटी को किसी और के हाथों में सौंप रही थी। उसे ऐसे लग रहा था मानो वे उसकी अंतिम पूंजी हो, यानी कि उसकी अंतिम धन हो। जब आप बहुत सालों से धन इकट्ठा करके सभी को एक साथ जब दूसरों के हाथ में दे देते हैं, तो आपको जितना बुरा लगता है उतना ही बुरा इन माँ को लग रहा था। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। यानी सयानी का अर्थ होता है समझदार। वो कवि कहना चाहते हैं कि लड़की अभी शादी के काबिल नहीं थी, क्योंकि वे काफ़ी भोली, नासमझ और काफ़ी सरल, यानी सीधी साधी थी। कि उसके सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यानी उसे सुख का आभास तो होता था, उसे मालूम था कि सुख क्या होता है और सुख कैसे होता है, लेकिन उसे दुख के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे अपने माँ बाप के साथ ही बचपन से पली बड़ी है। तो उसे बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था। बांचने का अर्थ होता है झेलना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका का अर्थ होता है स्टूडेंट। धुंधले प्रकाश यानी अनक्लियर प्रकाश, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तुक्कों का अर्थ होता है बाय हर्ट और लयबद्ध का अर्थ होता है ट्यून। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना का अर्थ होता है गर्व। तो माँ कहती है कि अपने चेहरे पर गर्व नहीं करना, खुद के ऊपर कभी गर्व नहीं करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। जब बेटियां शादी होकर घर अपने ससुराल चले जाती हैं, तो वहां पर उन्हें रोटियां सेकनी होती हैं, यानी खाना बनानी होती हैं। तो आग रोटियां सेकने के लिए ही के लिए होती हैं ना। कभी कभी लड़कियों को उसी में जला दिया जाता है। यहां पर कभी दहेज प्रथा की ओर संकेत कर रहे हैं, या आप सती सिस्टम की ओर भी बता सकते हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यानी जो वस्त्र और आभूषण है ये बस स्त्री जीवन में एक शाब्दिक भ्रम है, वे स्त्री को बांध के रखता है। लेकिन इसके पीछे जाकर इसी पे लालची नहीं बन जाना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कहती है कि लड़कियों की तरह बर्ताव ज़रूर करना, लेकिन लड़कियों की तरह अत्याचारों को नहीं सहना। लड़कियों की तरह कमज़ोर नहीं बनना, हर एक मुसीबत का भी डटकर सामना करना। तो ये कविता ये हमें ये सिखाती है कि जब वे लड़की शादी होकर अपने पति के यहाँ चली जाती है, तब वे काफ़ी सयानी होती है, काफ़ी छोटी उम्र की होती है। वे अपने माँ बाप के साथ रहते वक्त उसे सुख और दुख का आभास नहीं होता, उसे सुख का आभास होता है, दुख वे नहीं जानती। लेकिन बाद में उसे, इसलिए वे जब जाती है अपने ससुराल, तो माँ उसे सभी बातों का बताती है। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें किसी भी प्रकार के डाउट्स के।